मौलाना जर्जी अंसारी सीएबी के विरोध में आज सड़क पर उतरे और उन्होंने किशनगंज के बहादुरगंज एलआरटी चौक में उतरा और वहां के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सीएबी जो एक काला बिल था जिसको नाजायज तरीके से पास कराया गया है, इस बिल के खिलाफ हम लोग जो मार्च निकालने जा रहे हैं और यहां से अभी हमें और आपको पैदल चलते हुए जाना है, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बहुत सी बातें इंशाल्लाह वहां आपके सामने आएंगी। तौसीफ आलम के नेतृत्व में हम और आप सब यहां से निकल रहे हैं, हमें बहुत ही शांति के साथ निकलना है, जाना है और हमें कानून संविधान भारत का इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का विरोध हम कानूनी तरीके से कर सकते हैं। ये 11 तारीख को आपके इसी महीने की 11 दिसंबर को जो राज्यसभा में सीएबी ये काला जो संशोधन बिल था, ये सिर्फ जो मुसलमानों के खिलाफ पेश किया गया और उसको अपने आंकड़ों और अपनी संख्या के बलबूते पर आपने पास करा लिया, इस बिल ने मोदी और अमित शाह की जहनियत को वाजह कर दिया कि अमित शाह भी मुसलमानों का दुश्मन है और मोदी भी मुसलमानों का दुश्मन है। पूरी दुनिया को मोदी ने और पूरी दुनिया को अमित शाह ने ये पैगाम दे दिया है कि हम सबको गले लगा सकते हैं लेकिन मुसलमानों को हम गले नहीं लगा सकते हैं। मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें मोदी और अमित शाह को ये बताना है कि इस दुनिया में, इस भारत के अंदर भी अगर तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द भी कोई है तो वो मुसलमान ही है। तुम्हारे बुरे वक्त में अगर कोई काम आएगा तो वो मुसलमान ही आएगा। मुसलमानों से दुश्मनी करना छोड़ दो क्योंकि मुसलमान इस्लाम पर अमल करता है और इस्लाम किसी की दुश्मनी को हद से ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। मोदी जी, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं इसलिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह, हम आपकी इज्जत करना चाहते हैं इसलिए कि आप इस देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन इज्जत करवाना सीखो, इज्जत करवाना सीखो। इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे। अगर हम इज्जत देना जानते हैं तो अपने हाथों में चूते और चप्पल लेकर तुम्हारे सिरों पे मार के तुम्हारी इज्जत छीनना भी जानते हैं। हमें ये भी हक हासिल है, हमसे अपनी बेइज्जती मत कराओ। वहां हमारा मसला तो हमारे मजहब के अंदर बर्दाश्त की एक सीमा है और जब बर्दाश्त की सारी सीमाएं टूट जाए तो फिर हमारा धर्म हमें जिहाद की इजाजत भी देता है। हम मर जाएंगे, हम कत हो जाएंगे लेकिन हम भारत नहीं छोड़ेंगे। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है हमें भारत से निकाल कर दिखाओ। सारी बातें इंशाल्लाह उस जगह पर आएंगी जहां हम और आप मार्च कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप उसी तरफ चलें और हमारे तौसीफ आलम साहब के नेतृत्व में हमें और आपको वहां चलना चाहिए। बस इतनी सी बातें मुझे आपके सामने करनी थी, बाकी बातें वहां आएंगी हमारे और आपके सामने।